नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मैं मौजूद हूं हरिपुर के देहरादून के हरिपुर कला क्षेत्र में, और यहां पर भगवत गीता का पाठ यहां पर किया जा रहा है, और जागेश्वर महादेव जो मंदिर यहां पर बहुत ही लोगों के लिए इच्छा पूर्ति करने वाला मंदिर है, इस मंदिर के सानिध्य में अध्यक्ष की मौजूदगी में भागवत पाठ कराया जा रहा है। हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर अध्यक्ष जी, इनसे गोकुल डबराल जी, इनसे जानकारी लेंगे इस कथा के बारे में, किस तरह से कथा की जा रही है। जय जागेश्वर महादेव। आज जो है हरिपुर कला जागृति विहार कॉलोनी मोतीचूर, जो कि निकट हरिद्वार और देहरादून के बीच में है, वहाँ पर एक जागेश्वर महादेव मंदिर है हमारे, ये बनाए हम लोगों ने। और यहाँ पे जो है इस टाइम जो है आपका पितृपक्ष में हमने भागवत का आयोजन किया है, और यहाँ पे जो हमारे कथावाचक हैं श्री नवल किशोर लेखवार जी, उनके द्वारा यहाँ पे कथा की जा रही है, और सभी भक्त लोगों ने यहाँ पे आकर पूर्ण सहयोग दिया, और पितृपक्ष में जो भागवत हमने रखी है वो सभी के पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमने भागवत रखी है, और सभी लोगों को जो भागवत नहीं करा सकते थे उनको भी कहा गया कि अपने पितरों की फ़ोटो यहाँ पे लेके आएँ, और यहाँ पे भगवान के दरबार में लेके आके और यहाँ पे पुण्य के भागी बने, ये हमारा उद्देश्य था। इसलिए सभी लोगों को हमने यहाँ पे जो है भागवत का कथा का आयोजन किया गया, और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष जो है भागवत कथा यहाँ पे पितृपक्ष में हम करें, ये सभी भक्तों के लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। प्रथम वायु का वेग चला, योग माया ने उसे अपनी माया से रात्रि ही रात्रि में जो जिनकी पहली पत्नी थी रोहिणी इनके गर्भ में स्थापित कर दिया, और यहाँ जो है छठा बालक जन्म लेता, इनका नाम है क्या? श्रीमान बलराम जी बलराव। सातों प्रथम वायु का वेग चला, हुआ आठवें में जो है खेत योग माया हुई, और जो है नंद जी गया योग माया ने जो है वृद्धि स्वभाव कहा, बोले तुम मुझे जो है कंस के कारागार में ले चलो, तो जो है सायं 6 बजे उनका जन्म हुआ था। मेन गेट में किसी की जो है स्कूटी खड़ी है 406 गाड़ी 406 स्कूल के गेट पे 406 जय श्री। बोली जो है इसको रात ही रात में जो है देखो जो है योग माया को जो है पहले जन्म हो गया, और भगवान का जो है जन्म हो रहा है धीरे धीरे जो है बुरी सातवां महीना चलना है, और देवताओं ने जो है बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम भगवान बोले आप नीचे जा रहे हो ना, आपने वचन दिया है कंस को मारेंगे, आप भूल मत जाना, थोड़ा ईगो दे दो, बोले भूल मत जाना बिल्कुल भी। तो जो है आठवां महीना नौवां महीना प्रसन्न वायु का वेग चला है, भगवान स्वयं चित्ती के रूप में जो है सामने प्रकट हो गए, और सुनो जब भगवान प्रकट हुए ना तो भगवान के 4 भुजा है, सुंदर जो है श्याम वर्ण का शरीर है, हृष्ट पुष्ट भगवान है, और जो है गैरत की माला धारण किए, और भगवान कहते बोले मैया आए गए हो, एक दिन का आए गए रुकन पुष्को लाना हो गए, शांता कारण भूत पद बना
तो मैया कहती नहीं, तुमने वरदान दिया था ना कि मैं बेटा बन करके, तो मैं तो तभी मानूंगी जब तुम बेटा बनोगे, ताली मारोगे। तो कहते मैया के कहने पर भगवान बालक बने और टीकारी मारी वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने जो है एक टोकरी में रखा। सुनो, जब गोविंद ने किलकारी मारी ना पहले, जय श्री, तो जो है जब जो है गोविंद उत्पन्न हुई ना, तो पहले तो जो है भगवान ने कहा कि देखो भैया मैं आ गया। तो कहते हैं कि भगवान ने अपना वो रूप इसलिए दिखाया कि वो देवकी को कहना चाहते हैं कि मैया मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं आपके अष्टम गर्भ के रूप में जन्म लूंगा, तो आपको कोई डाउट ना हो कि कौन आ गया, इसलिए देख लो मैं ही हूं। हाँ, रामचरितमानस में कहते हैं कौशल्या ने कहा है कि हर्षित महतार, बड़ी प्रसन्न है, अद्भुत रूप विचारी। और कहते हैं भगवान को की जय, शिशु सीला अति प्रिय लीला, यह सुख परमूपा। बोले आप शिशु लीला करें, इस सुख बोले बहुत आनंद। तो गोविंद बालक बने, किलकारी मारी है, लेकिन जैसे गोविंद ने किलकारी मारी ना, सारे के सारे द्वारपाल सुन गए और देवकी और वसुदेव की बेड़ियां खुल गई। ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि माँ ने दुग्धपान कराया है, गोविंद ने जो दूध पिया है, और फिर जो है एक टोकरी में रखा और आपको ले गए और भगवान शेष नाग देव के पीछे। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।